यानी यह किसी न किसी गरीब, किसी न किसी अति दलित, अति पिछड़ी जाति के लोगों को यह सुविधा प्राप्त हुई। लेकिन हम सबका दायित्व तो बनता है, जो समाज में वंचित है, शासन की योजनाओं से वंचित है, उसको शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके जब हम कार्य करेंगे तो वास्तव में राम राज्य की स्थापना वहीं से प्रारंभ होती है। और राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए आपसे ज्यादा बेहतर और कौन जान सकता है। जिसने भगवान राम की नैया पार लगाई हो और नैया पार लगाने के साथ साथ धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया हो, मुझे लगता है उनको धर्म के बारे में और राम की भक्ति के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने, आपके पूर्वजों ने कार्य किया है, आपके डीएनए में है राम भक्ति। और राम भक्ति का वह प्रमाण आपको किसी रावण भक्त से लेने की आवश्यकता नहीं, किसी कंस भक्त से लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वे अनुसरण रावण और कंस का करते हैं, दुर्योधन का करते हैं और टिप्पणी आप पर करते हैं। वे टिप्पणी इस रूप में करते हैं, मुझे याद है आपकी जो एक बहुत प्रमुख मांग है कि चाहे वह निषाद हो, केवट हो, बिंदु हो, माझी हो, कश्यप हो, इन जातियों को आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए और उनकी जाति जनजाति अधिकार इस समुदाय को मिलना भी चाहिए था। लेकिन जानबूझकर के समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसको बिगाड़ करके न्यायालय में लटकाया हुआ है और न्यायालय में हम इसको लड़ रहे हैं कि न्यायालय से इसको कोई हम फेवरेबल फैसला करवा करके इन जातियों को सम्मानजनक ढंग से इस व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए हमारी सरकार ने सामाजिक न्याय समिति का गठन भी किया है। हमने न्यायालय को बताया है कि हम लोग चाहते हैं कि समुदाय को उसका हक मिले, इसके लिए हमें वहां आंकड़े जुटाने हैं, इसके लिए हमें वहां व्यवस्थाएं देनी हैं और इस पर हमारा कार्य चल रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, इसको बिगाड़ने का कार्य किसी ने किया था? समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था, जिन्होंने जानबूझ करके अपने लोगों से कोर्ट से स्टे करवा करके आपको आपके हक से वंचित किया गया। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए। यहां पर कश्यप समुदाय से जुड़े हुए हमारे माननीय सांसद विधायकगण हैं, नरेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, सभी लोग हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने गुड़ और खांडसारी के उद्योग में इन लोगों का वर्चस्व था, इनको लाइसेंस ही देना बंद कर दिया था चीनी मिल मालिकों के दबाव में। हमारी सरकार आई, मैंने कहा वहां इन लोगों को फ्री में लाइसेंस उपलब्ध कराओ और आज इनको वहां पे लाइसेंस देने की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जिसको भी लाइसेंस चाहिए खांडसारी का, हमारी सरकार उन्हें लाइसेंस उपलब्ध कराएगी। हमने उसको उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया, लेकिन चीनी मिल मालिकों के दबाव में इसको बंद किसने किया था? समाजवादी पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, जिन्होंने अच्छा काम किया ही नहीं उनसे अच्छे की उम्मीद क्यों करते हैं?